उत्तर भारत में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। सरबती, सेला और बासमती के दाम 300 रुपए तक बढ़ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि कमजोर मानसून मजबूत मांग से दाम बढ़े हैं। आपको बता दें कि धान की MSP पिछले साल के 1868 रुपए प्रति किलो के दाम से 72 रुपए बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड 123 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 9 मिलियन टन से अधिक है। धान के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान के साथ ही देश से गैर बासमती चावल का निर्यात भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि उत्पादन और निर्यात का असर भाव पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय में धान की कीमत एक सीमित दायरे में ही है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि काफी समय से धान का भाव एक स्तर पर बना हुआ है, इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बाजार में स्थिति बदलने की संभावना है, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। बाजार में धान का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से कीमतों में खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। चावल का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में मांग बढ़ेगी और आने वाले महीनों में खासकर अक्टूबर और नवंबर से धान की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 26 अगस्त तक धान की हुई कुल बुआई पिछले साल के मुकाबले 1.23% कम है। किसानों ने 26 अगस्त तक 388.56 लाख हेक्टेयर में धान रोपा, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 393.41 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में धान का कुल रकबा अब तक मामूली कम रहा है। धान की रोपाई में गिरावट ओडिशा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और मिजोरम में बारिश में भारी कमी के कारण हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अन्य धान उत्पादक राज्यों जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और राजस्थान में बारिश कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV.